किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नरमा कपास की बिजाई का बिल्कुल सही समय कब तक है, अगेती बिजाई कब तक करें, पछेती कब तक कर सकते हैं, टाइम के ऊपर बिजाई करनी है तो वो कब करें। तो इन चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। चाहे वो देसी कपास हो, चाहे बीटी कॉटन या फिर नरमा की फसल हो, तो दोनों के लिए अलग अलग टाइमिंग आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आप देसी कपास की बिजाई करते हो, चाहे आप बीटी कॉटन की बिजाई करते हो यानी कि नरमा की बिजाई करते हो, आपको बिजाई अगेती ही करनी है। जितनी टाइम के ऊपर आप बिजाई करोगे, जल्दी आप बिजाई करोगे, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि क्लाइमेट लगातार चेंज होता जा रहा है, मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं साल दर साल, तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें खेती में भी थोड़े बहुत परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्योंकि नरमा कपास में अगर हम देखें, बीटी कॉटन में स्पेशली अगर हम देखें, तो गुलाबी सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, उखेड़ा यानी कि लास्ट में विल्ट रोग आ जाता है, तो ये तीन बीमारियां आजकल कॉमन हो गई हैं। पिछले 4-5 सालों से बहुत नुकसान किया है नरमा की फसल में इन तीनों बीमारियों ने। तो इनकी वजह से ही किसान ने नरमा की फसल से अब की बार थोड़े से पैर पीछे रख लिए हैं। यानी कि अब की बार मेरे हिसाब से तो नरमा की बीटी कॉटन की बिजाई काफ़ी कम रकबे में होगी, बिजाई घटेगी। आपका क्या अनुमान है कमेंट में नीचे जरूर बताएं। तो चलिए अब बात करते हैं कि नरमा कपास की बिजाई का सही समय कब तक है। सबसे पहले हम बात करते हैं देसी कपास की। तो देसी कपास के लिए अप्रैल का पूरा महीना आप बिजाई कर सकते हो। अगर हम सही टाइम की बात करें तो 1 अप्रैल से लेकर 15-20 अप्रैल तक अगर देसी कपास की बिजाई हो जाती है तो ये बिल्कुल सही समय होता है इसका। बाकी आप अप्रैल के लास्ट तक भी देसी कपास की बिजाई कर सकते हो। इसके बाद में बात आती है नरमा यानी कि बीटी कॉटन की। तो बीटी कॉटन की बिजाई का टाइम अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार क्या कहती है। तो HAU हिसार के अनुसार 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो टाइम है ये बीटी कॉटन की बिजाई के लिए सही टाइम है। इसके अलावा 7 जून तक आप बीटी कॉटन की यानी कि नरमा की पछेती बिजाई कर सकते हैं। इसके अनुसार 15 अप्रैल से लेकर 7 जून तक आप बिजाई कर सकते हो। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक अगर आप बीटी कॉटन की बिजाई करते हो तो ये बिल्कुल सही समय है नरमा की बिजाई के लिए, बीटी कॉटन की बिजाई के लिए। अगर हम अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करें कि हमारा अनुभव क्या कहता है, तो पिछले सालों को अगर हम देखें तो 10 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप नरमा की बीटी कॉटन की बिजाई अवश्य पूरी कर लें। 15 मई के बाद में बीटी कॉटन यानी कि नरमा की बिजाई ना करेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मई के पहले हफ्ते तक अगर आपकी बिजाई पूरी हो जाए तो ये बहुत ही सही समय है बीटी कॉटन की नरमा की बिजाई के लिए। यानी कि 10 मई तक मानकर चलो अगर बीटी कॉटन की नरमा की बिजाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 15 मई तक का समय भी बीटी कॉटन की नरमा की बिजाई के लिए ज़्यादा लेट नहीं है। 15 मई के बाद में बिजाई करने का मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं ताकि दूसरे किसानों को भी पता चल सके। 15 मई के बाद में अगर हम लगाएंगे तो वो ज़्यादा पछेती हो जाएगी। उसमें वो तीन दिक्कत जो मैंने आपको बताई थी, गुलाबी सुंडी की, सफ़ेद मक्खी की, उखेड़ा की, उनसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। आपको घाटे का सौदा हो सकती है ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि अगर आपने लेट बिजाई करी तो जब तक उसमें टिंडे बढ़ने स्टार्ट होंगे तो इन बीमारियों का प्रकोप होना शुरू हो जाता है, बारिश का दौर शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ पनप जाती हैं नरमा कपास में और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए जितनी जल्दी उसके आपको जो है नरमा की कपास की बिजाई पूरी कर लेनी है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि बीटी कॉटन यानी कि नरमा की सबसे बढ़िया 5 वैरायटियां कौन सी हैं अब की बार पिछले साल के मुकाबले में। अगर गुलाबी सुंडी की बात करें तो गुलाबी सुंडी का और वैरायटी का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। गुलाबी सुंडी हर एक वैरायटी में आती है, ये मौसम के ऊपर डिपेंड करती है पूरे का पूरा, तो ये चीज़ आपको पता ही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को शेयर जरूर करें अधिक से अधिक किसानों तक।